नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रिद्धि मिर्जे से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इस शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। इस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील है कमरा मोहल्ला। बता दे कि वक्फ बोर्ड पर कब्जे किए गए वर्षों से जमीन को पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर खाली करवाया है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखिए किस तरह से पूरी तस्वीरें हैं। मुजफ्फरपुर शहर के चंदवारा स्थित कमरा मोहल्ले से लाइव तस्वीरें दिखा रहे खबर में। ये नजारा है, पूरी तस्वीरें दिखा रहे थे आखिर किस तरह से मुजफ्फरपुर चंदवारा स्थित कमरा मोहल्ले में आखिर किस तरह से पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जो आदेश आया था, वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा किया गया था तो उसको पुलिस ने खाली करवा दिया है। पूरी तस्वीरें हम आपको चंदवारा से दिखा रहे खबर, मुजफ्फरपुर शहर के चंदवारा स्थित कमरा मोहल्ले से दिखा रहे ये तस्वीरें, नज़ारा है जहां पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो कब्जा किया गया था अवैध रूप से, उसे खाली करवा दिया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखिए पुलिस किस तरह से फ्लैग मार्च कर रही है चंदवारा के विभिन्न इलाकों में। देखिए किस तरह पूरी तरह से पुलिस छावनी में चंदवारा इलाका जो है तब्दील है ताकि किसी भी तरह की कोई पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आखिर किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्षों से अवैध रूप से वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी वो कब्जा किया गया था। तो पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च कर रही है और इलाके में लोगों को किस तरह से शांति व्यवस्था बने रहे। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट के जो निर्देश पर जमीन खाली कराया गया था उसको लेकर के फ्लैग मार्च की जा रही है। इसके नेतृत्व करता है इस फ्लैग मार्च में शामिल है नगर के DSP राघव दयाल है, तो वहीं पूर्वी DSP मनोज पांडे है, इसके साथ ही पूर्वी SDM ज्ञान प्रकाश है, तो वहीं कई थाने की पुलिस टीम है और देखिए QRT की भी टीम है। ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं आखिर किस तरह से। तो ये नज़ारा है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन था वो कब्जा किया गया था, कब्जा को खाली करवाया गया है और किस तरह से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है चंदवारा इलाके में बनारस बैंक चौक पर। इस बार कमरा मोहल्ला से निकल करके पुलिस देखिए किस तरह से पूरे का फ्लैग मार्च जो हम दिखाएंगे आखिर किस तरह से। अभिषेक इतने बड़ा बाइक से ना तू बाइक से लेबे की हो ना पत्रकार के नाम पर ढेल पड़बे संपादक जी बताइए कोई क्वालिटी नहीं है कह दिल की बंद करा तो बंद कर दिल कैमरा बतू पूछू दिख। तो पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं आखिर किस तरह से पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है और देखिए चंदवारा के इलाका है ये
और किस तरह से फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस वक्फ बोर्ड की जो जमीन का अवैध रूप से कब्जा किया गया था वो खाली कराया गया। देखिए किस तरह से क्यूआरटी की भी टीम है, साथ में नगर डीएसपी है, नगर और पूर्वी एसडीएम, पूर्वी डीएसपी समेत तो पूरी ये नज़ारा है, चंदवारा इलाके का नज़ारा है जहां अवैध रूप से कब्जे किए गए ज़मीन को प्रशासन ने खाली कराया है। वक्फ बोर्ड का ज़मीन था और पूर्वी डीएसपी मनोज पांडे भी इस अवैध रूप से कब्जे किए गए ज़मीन को खाली कराने में शामिल है। तस्वीरें हैं पूरी, तो कह सकते हैं एक प्रकार से जिस तरह से शांति ज़मीन कब्जा जो किया गया था अवैध रूप से, वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी जिसको खाली करवा के प्रशासन के निर्देश पर कोर्ट के आदेश आने के बाद 4 वर्ष करीबन हो जाने के बाद आज ये खाली कराया गया। मौलाना वाला वो वही इंक्रोचमेंट रहे वाला है, कोई खास बात नहीं। ये देखिए फोटो के देखिए यार जिन का जबरदस्ती का मुंह उठावेगा हमारा और ऐसे वक्फ बोर्ड की जमीन खाली कराने के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चंदवारा इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है जिसका नेतृत्व नगर के डीएसपी है और साथ ही पूर्वी डीएसपी है वो कर रहे हैं। आखिर किस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीन करीबन 12 वर्ष से अवैध रूप से कब्जा किया गया था जिसके बाद प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर आज खाली करवाया और कब्जा करवा करके वक्फ बोर्ड के जो वली है उनको सौंपा है और अवैध रूप से लगाए गए ताले को तोड़ा गया। देखिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किस तरह से फ्लैग मार्च कर रही है। हालांकि अभी किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है, हालांकि पुलिस की अलर्टता के कारण तत्परता पर इतने फोर्स की जो मौजूदगी है जिसके कारण किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है। कई थाने की पुलिस टीम है, वहीं क्यूआरटी की टीम है, तो वहीं देखिए किस तरह से तो ये तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरपुर शहर के चंदवारा इलाके से दिखा रहे हैं। चंदवारा इलाके का कमरा मोहल्ला है, कमरा मोहल्ले में वक्फ बोर्ड का जो जहां जमीन था उसे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, उसे ही खाली कराया गया जिसके बाद प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के फ्लैग मार्च पुलिस छावनी में तब्दील है पूरा इलाका जो है, ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद या अशांति न फैले इसको लेकर के। पूरी तस्वीरें हैं, तो बता रहे थे कि चंदवारा इलाके में कमरा मोहल्ला स्थित
वक्फ बोर्ड की जमीन को अवैध रूप से कब्जा जो किया गया था उसी को आज खाली कराया गया है। कोर्ट में मामला चल रहा था, हालांकि इसकी डिग्री 2016-17 के बीच में हुई थी, लेकिन प्रशासन ने अब जागते हुए उसे खाली करा करके जो उनके सही हकदार थे वक्फ बोर्ड की जमीन के, जिनके अंदर सौंपना था, उसे आज सौंप दिया गया है। अवैध रूप से जो ताले जलाए गए थे वो सभी ताले को तोड़ दिया गया है। भारी पुलिस बल की संख्या में पूर्वी SDM ने तो किस तरह से पुलिस की फ्लैग मार्च जो है चंदवाड़ा इलाके के कमरा मोहल्ला में चल रहा है। पूरी तस्वीरें लॉक पकड़ दो। हम लोग यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आए गए, मतलब प्यास लग गए लोग अच्छे, इतना दौड़ा दिया हमको। हाँ बोलना था कि घूम करने से आएंगे तो यहीं पे रुकते। तो यही वो मकान है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। वक्फ बोर्ड का जमीन है और वक्फ बोर्ड का ही ये मकान है जिसे मिलना था, अब उन्हें सौंप दिया गया। इसी पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, सभी ताले जलाए गए थे और किराए पर लगा दिया गया था, लेकिन सभी ताले प्रशासन ने तोड़वा दिया है। और देखिए पूरी तस्वीरें देखिए, ब्लेड अंदर है नहीं है उसके पास, अब बात को ने उसको भेजिए अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।